हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल आपकी क्लास मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कल मैं आपको लिटरेचर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रहा था कि किस पैराग्राफ के कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो थोड़ी सी मैं वर्किंग कर रहा था, थोड़ा सा देख रहा था, इसलिए मैंने क्लास वाला ली। वो टाइम मैंने क्लास वाला टाइम उसे इसको आइडेंटिफाई करने में दिए। ठीक है, तो मैंने अभी से आपको कराया था, अभी अब आपको भी साहब ने कराया क्यों नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमें टाइम मिल जाए कोई 2 दिन का, तभी आपको करा तो मैं तभी आपको करा दूँ। अगर नहीं मिलता है इनसे तो चैप्टर को खत्म कराने के बाद फिर मैं वही कराऊंगा जैसे मैंने आपको संडे को बताया था। ठीक है, पहले स्पेसिफिक पैराग्राफ, पैराग्राफ रिलेटेड जितने स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं वो है ना, वो देख लेंगे। पर सेफर साइड में भी इस चैप्टर को इसलिए करा रहा हूँ कि अगर हमें इनकेस कोई हॉफ मिलता है, वैसे तो नहीं मिलने वाला, पर अगर मिलता है तो करा दूंगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इन बातों में, आते हैं ना पीरियोडिक टेबल। आहा, अभी नहीं मतलब इस चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इसको कितना समझाएंगे, पर ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल होती है। अगर आपको केमिस्ट्री में करियर बनाना है तो केमिस्ट्री भी बोलूँ फिजिक्स भी बोल दूँ तो अभी यहाँ पे आपको मतलब इस चैप्टर की नहीं पता, मैं चैप्टर की इम्पोर्टेंस ही नहीं बता पाऊंगा कि एग्जाम के लिए इसकी वेटेज ज़्यादा है या नहीं। पर ये पीरियोडिक टेबल जो है ना, मतलब बहुत, तो इस टेबल की इम्पोर्टेंस पता है आपको स्कूल में टीचर ने, अगर आप खैर आप जाने रहे हो, अगर आप स्कूल में, तो आपको टीचर बताते कि ऑर्डर ना वन, ये ऑर्डर में बहुत कुछ बताते हैं। ये हमें ये तो बताते बताते हैं किसमें कितने एलिमेंट है, एलिमेंट्स ये जो दे रहा है 1.008। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है एक एक नंबर पे है, फिर एक यहाँ पे लिख ग्रुप वन में, फिर एक यहाँ पे टू है, फिर यहाँ पे ग्रुप टू है। ठीक है, फिर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, फिर सेकंड सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये मतलब बहुत एक ही में बहुत अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। फिर क्या क्या पता चलती है, मैं एग्जाम्पल बता दूँ। पीरियड वन लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्रुप वन के अंदर पहला एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी सबसे पहला एलिमेंट जो दुनिया में मिला था वो हाइड्रोजन था। दुनिया का सबसे पहला एलिमेंट जो हमें पता चला था, हमें मतलब साइंटिस्टों को, मुझे तो नहीं, तो वो हाइड्रोजन था। ये टाइमिंग भी बताता है सर। उसके बाद कौन सा मिला था, लिथियम। तो इस तरह से टाइमिंग पता चलती है टेबल से। तो सबसे लास्ट में कौन मिला था, तो सबसे लास्ट के इसमें अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, सबसे लास्ट के इसमें अपडेटेड नहीं होगा, बस ये कुछ लिखते हैं ये हैं, पर ये सबसे लास्ट के नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट ही बहुत सारे मिलते हैं, पर ये बुक्स हमें 10 साल लगते हैं, 5 5 10 10 साल लग जाते हैं बुक्स को चेंज होने में, है ना, हमारे सिलेबस वाले हैं ना, तो इनको टाइम लग जाता है। ये कर सकते हैं चैप्टर आगे पीछे कर सकते हैं, आपको नहीं सुना तो बुक्स हर साल चेंज होती हैं, तो ऑथर चेंज हो जाते हैं, फिक्शन होते, बोर्डिंग जो मॉडिफिकेशन होते वो होते हैं, लेकिन चैप्टर हमारा सिलेबस है वो रिवाइज नहीं होता इतनी जल्दी, है ना, टाइम लगता है। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू क्लासीफाई। इंस्टिंक्ट मतलब पता है, हाईलाइट कर लो, लिखवा लेंगे, दिखवा देंगे भी, है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, एक बेसिक बताऊंगा ताकि बेस हमारे स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग जितने आपको बेसिक में आपको पूछने पूछते जाना। ठीक है, इट इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन का मतलब तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं लिख पाऊंगा नहीं, टाइम डाउन करी क्योंकि यहाँ पे आगे समझाया गया है। ठीक है, टू क्लासीफाई, क्लासीफाई क्लासीफाई थिंग्स, अभी इसको छोड़ दो, उसको अभी इग्नोर कर दो। तो क्लासीफाई मतलब होता है अलग करना, सर बता है ना। इट इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू क्लासीफाई या फिर टू पुट थिंग्स ऑफ वन काइंड इन वन ग्रुप एंड ऑफ अनदर काइंड इन अदर ग्रुप, यानी क्लासीफाई करना, अलग कैटेगराइज कराना, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट मतलब नेचर, इंस्टिंक्ट मतलब नेचर लिख सकते हो, या उसकी नेचर ही कह लो, उसका नेचर है, इंसान का, इंसान का नेचर है। अगर आपको, आपके पास 4 चीज़ आ गई ना, जिसमें से चारों को अगर आप अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हो, उसको अलग तरह से कैटेगराइज कर लोगे। ये सब उसको चैप्टर है, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट इजी, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, किस चैप्टर की बहुत ज़्यादा, किस चैप्टर क्या है, पर ये आपका नीचे आपका इंस्टिंक्ट रहेगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। उसको बताइए कि एग्जाम टाइम पर फर्स्ट पहले वही चैप्टर बस करो इजी होंगे, जो सबसे इजी होंगे, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, किसी ने आपको बताया नहीं, और ये नेचर है लोगों का, ह्यूमन नेचर है।
आपको कई कम मेहनत करके जहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करोगे। तो इस तरह इस चीज़ को ना इंस्टिंक्ट, नेचर हमारा कैसा होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th एंड बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी वो क्या 18th और 19th के बीच में, 18th के ख़त्म होने पर 19th की शुरुआत थी ना, मोर एंड मोर एलिमेंट बिगिन टू बी डिस्कवर। सर बहुत सारे एलिमेंट्स की शुरुआत हो गई, वो डिस्कवर होते जाते होते जाते होते जा रहे थे। एंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, उनकी इंडिविजुअल एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड जो हैं उनके उन्हें पढ़ा जाने लगा। सून द नीड अरोज फॉर क्लासिफाइंग देम सो एज टू मेक देयर कंपेरेटिव स्टडीज। तो लोगों को पता चला, समझ आया कि हाँ हमें नीड है, हमें नीड है। किस चीज़ की नीड है उन्हें समझने की, और समझोगे कैसे? जब तक वो कंपेरिजन नहीं करोगे तब समझ को समझ के जाओगे अच्छे से। आपको दूसरे को समझना है और दोनों चीज़ एक ही टाइप की, यानी दोनों एलिमेंट ही एलिमेंट है, दोनों में कंपेरिजन करना पड़ेगा। आप कंपेरिजन किस चीज़ पर करोगे? बेस के लिए उसको कैटराइज करना पड़ेगा, तो अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तब वो क्लासीफाई करने की नीड अराइज, लोगों को समझ में आई कि हाँ हमें नीड है लोगों को क्लासीफाई करने की। सब बस एक रीज़न था नहीं, बहुत सारे रीजन थे क्लासिफिकेशन के। पहला तो ये हुआ था कि उन्हें स्टडी करना था एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक अच्छे मैनर में स्टडी करने के लिए। दूसरा, जब आप उनको डिफरेंट, जब आप उनको कैटराइज करके उनमें कंपेरिजन करोगे तो जरूर थोड़ी कि सारे डिफरेंस डिफरेंसेस निकलें, कुछ चीज़ तो उनमें कॉमन होगी, तब उनके बीच में कोरिलेट कर पाओगे। कुछ चीज़ें कॉमन होंगे ना, तो आप उनके बीच में रिलेशन भी निकाल पाओगे, कौन सा एलिमेंट किसका कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी डालते ये रिएक्ट हो जाएगा, तो कोरिलेशन आप कर पाओगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल स्टेट है ना, अगर आप पानी को, गर्म पानी को बर्फ से मिलाओगे तो सब मेल्ट होकर पानी ही बन जाएगा, सब वेपोराइजेशन टाइम इमीडिएटली होगा। तो ये तो आप कोरिलेट कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, है ना। इट हैज बीन डिफाइंड द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर, से दूसरे एक तरह से डिपेंडेंसी जो होती है समझ में आ जाती है कि हाँ इन दोनों में रिलेशनशिप, अगर दोनों को साथ में रखूंगा तब ये काम होगा, अगर दोनों को साथ में रखा तो ये काम होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप समझ में आती है, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। वन टू मार्क का पूछ सकते हैं तो शॉर्ट में, ठीक है, वन और टू मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, स्टडी करने में, कोरिलेट करने में, रिलेशनशिप समझने में। SCR, स्टडी कोरिलेट रिलेशनशिप, स्टडी रिलेशनशिप, स्टडी कोरिलेशन रिलेशनशिप। और दो से तीन याद नहीं हो तो दो याद कर लो, स्टडी याद रख लो, को रिलेशन पढ़ लो उसको, को रिलेशन। तो रिलेशनशिप में रिलेशन को डर लगता रही है ना, मेरे 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 को डर लगता है बात करते आने की, मेहनत बहुत बढ़ जाती है बार बार रिकॉर्ड करने में, मन भी नहीं करता। इन द बिगिनिंग अटेम्प्ट वर मेड बाय केमिस्ट, तो केमिस्ट मतलब क्या, केमिस्ट वाले ऐसा जो केमिस्ट के यहाँ पे बैठते हैं वो लोग नहीं वाले ना, केमिस्ट मतलब साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, वो लोग जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो सर बहुत सारे ट्राई किए गए अटेम्प्ट्स, ना एफर्ट्स, कोशिश की गई कि वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, किस फैक्टर पे, किन किन से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसी ने बोला कि डेंसिटी के बेस में क्लासिफाई करो, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा, इसका कम है, उसका कम है। मेलेबिलिटी, कौन सा कितनी जल्दी मेलेबल हो सकता है, कौन सा किससे घुल सकता है कितनी जल्दी। डक्टिबिलिटी, आई थिंक इसको इलेक्ट्रिसिटी वाला फीचर। एंड ऑल्सो टू कंसिडर उनकी सब क्लास, सब कैटेगरी बना दी कि एलिमेंट मेटल है एंड नॉन मेटल है, कि वो मेटल है नॉन मेटल है। मैंने जितनी पॉसिबल तरीके थे उन लोगों ने कोशिश की किस तरह से हम क्या कर सकें, क्लासिफाई कर सकें। बट नन ऑफ दीज अर्ली क्लासिफिकेशन प्रूव सेटिस्फैक्ट्री, बट स्टार्टिंग में, अर्ली मतलब कि स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री प्रूव नहीं हो पाया। सर क्यों नहीं हो पाया? एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, ध्यान रखना कितने पॉइंट जो हुए हैं, बन सकता है, ठीक है, से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सर क्यों ये क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में? तो सर डिफरेंस आप चैप्टर भी पढ़ोगे आगे, आप पढ़ भी चुके होंगे 6th 7th 8th में, तो आपने डिफरेंसेज की बेस पर टेबल पढ़ी होगी, यानी आपको सेटिस्फैक्ट्री प्रूव हो चुका। पहले क्यों नहीं हो पाया? अर्ली क्लास में, अर्ली स्टार्टिंग में, अर्ली क्लास में क्यों सेटिस्फैक्ट्री नहीं था? दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वाज सो लार्ज दैट इट डिड नॉट सर्व द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन। सर एक ही कैटेगरी के, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के, सर ग्रुप मतलब दिखा देता हूँ मैं ऐसे, एक ही मैं आपको थोड़ा एक धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरी टेबल एक बार में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अभी ग्रुप्स हैं,
तो इस ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये जो ग्रुप है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। फिर पीरियड ए भी पता नहीं क्या है ना, मतलब अभी तो आपको समझाऊँ क्या है, इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप बनने में, कैसे क्लासिफाई करें इनको, कैसे क्लासिफाई करें इनको, है ना। तो ये दिक्कत स्टार्टिंग में दिमाग में लगाना कि पहले ए बी करें, तो ए बी तो बाद में दिमाग आया होगा, फिर ये पीरियड बनाए, 1 2 3 फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, है ना। तो ये डिफिकल्टी आ रही थी, डिफिकल्टी आ रही थी कि वो इससे जनरलाइज ज़्यादा थे, कि जनरलाइजेशन कि उनको अब दे डू नॉट सर द पर्पज जनरलाइज हो, अपन को री नहीं सकते हो, अपन को री नहीं सकते हो, अपन को, है ना। समझिए, कुछ तो कैरेक्टर्स के, 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 कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कुछ तो पॉपुलेशन डिफरेंट हैं एक ग्रुप के, हैं एक ही फैमिली के, बट बिहेवियर इनके अलग अलग हैं, कन्फ्यूज होकर इनको कैसे क्लासिफाई करें। अभी उनको फैमिली से बाहर कर देने, ग्रुप से बाहर निकालना, ग्रुप में रहने दें, फिर ग्रुप में रहने दें, फैमिली में रहने दें, तो उनको अलग अलग रूम प्रोवाइड कर दें। ए और बी बन गए थे ना, अलग रूम प्रोवाइड कर दें, एरिया डिवाइड कर दें, सर फर्स्ट पीरियड वाले ये, सेकंड पीरियड वाले ये, क्या क्या स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आया, वो स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हो गए, है ना। सर्टेन एलिमेंट्स थोड़े मेटलिक एज वेल एज नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सर कुछ मेटल भी थे, कुछ नॉन मेटल भी थे, आपको समझ लेकिन इनको और कैसे कैसे करें। तो कुछ दिक्कत आई, स्टार्टिंग में दिक्कतें आई ऑब्वियसली। साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट दैट वुड नेवर चेंज। साइंटिस्ट तो लेकिन ऐसे एलिमेंट की तलाश में थे जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी प्रॉपर्टीज कभी चेंज ही ना हो, वो नेवर चेंजिंग एलिमेंट हो गए थे। इट वॉज विलियम प्राउट, इट वॉज विलियम प्राउड, नहीं प्राउड, है ना, प्राउड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राउड, प्राउड ही होना चाहिए। इट वॉज विलियम प्राउड हु डिस्कवर्ड दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट नेवर डिफर, यानी विलियम प्राउड थे एक ऐसे साइंटिस्ट जिनको एक ऐसा एलिमेंट मिला, जिनको एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका मास जो है ना वो कभी भी डिफर नहीं कर रहा, एंड दैट इट कुड देयर फॉर फॉर्म अ ट्रूली साइंटिफिक बेसिस। और उन्होंने इसको एक सच्चा एक साइंटिफिक बेस बनाया कि हाँ हम इस तरह के बेसिस के ऊपर को क्लासिफाई करेंगे। किस तरह के, अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा देर में क्लियर हो। डोवर्नियर ट्राइड्स एक वर्ड आया है, ट्राइड्स, इसका मीनिंग नोट करो। कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्ड आपको लिखवा रहा हूँ, आप समझ जाओ उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग समझ गए क्या आप इसका, क्या है तीनों डोवर्नर ट्राइड्स, इनके कुछ तीन से मतलब देखते हैं क्या है। तीन से मतलब क्या है, तीन से मतलब है कि इन्होंने तीन तरह के एलिमेंट ढूंढ देते हैं, ठीक है, ढूंढ देते। कुछ क्या था तीन से, मेरे को इंटरव्यू याद नहीं है, पढ़ते हैं जरा। J.W. डॉब्रेनर, जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे ये। ऑब्जर्व दैट सर्टेन एलिमेंट डिस्प्ले सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुछ तो एलिमेंट्स हैं जो सेम तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं और उनको आप एक ही फैमिली का पार्टनर कह सकते हो। एंड दे कुड बी प्लेज्ड इन अ ग्रुप, प्लेज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, दे कुड बी प्लेज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, उनका तीन ग्रुप प्लेज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट, अब वो तीन एलिमेंट के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो हर एक को। और दीज ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच वर कॉल्ड ट्राइड, इनके ग्रुप्स को बुलाने लगा ट्राइड, इनके ग्रुप को बुलाने लगा ट्राइड। तो वो कौन कौन से तीन एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, सोडियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, वर प्लेज्ड इन वन ट्राइड। इन तीनों को, यानी उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स बनाए, बहुत सारे ट्राइड्स बनाए, ट्राइड्स मतलब क्या, ग्रुप, ट्राइड्स मतलब क्या, अब डॉब्रिनियर की लैंग्वेज को ट्राइड बोलने लगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे को ऐसे तीन एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके फीचर सेम होंगे, उन तीनों को मिलाकर मैं तीनों के टुकड़े बना लूंगा, मैं ट्राइड बोलूंगा। सच्चा का चार एलिमेंट मिलेगा तो, अब उसके बारे में पता नहीं, चार एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनके फीचर सेम है, तो चारों को क्या वो एक ही ट्राइड बना लेंगे, ये तो पता नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ तीन तीन का ईच ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, यानी एक ग्रुप में केवल थ्री एलिमेंट्स होंगे केवल,
ठीक है, एक ग्रुप में थ्री एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच, ईच मतलब बोल रहे हैं ग्रुप्स के लिए कि एक ग्रुप में तीन ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम को एक ग्रुप में क्लासिफाई किया और उस ग्रुप को नाम दिया ट्राइड। पर्टिकुलर ट्राइड हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम भी नहीं एग्जैक्ट सेम ही सिमिलर, डिफरेंस पता ना सिमिलर सेम में, सेम मतलब जो हूबहू 101% सेम होता है, और सिमिलर मतलब जो मिलता जुलता होता है। इनफैक्ट डोरेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एंड एटॉमिक मास। कह रहे हैं कि ये डोरेनर एक पहले ऐसे पहले साइंटिस्ट ने एलिमेंट का और उसके एटॉमिक मास के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था, इस्टेब्लिश नहीं दिखाया था, डिस्प्ले कराया था। पता नहीं कि एमसीक्यू वगैरह मेरे को लगता है बन सकते हैं यहाँ से। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? फिर कैसा करता हूँ कैसा नहीं, ऐसा ऐसा कैसा, अरे ऐसा सर ऐसा कैसा, ऐसा मतलब आप लिखते हो कि यहाँ पे कि सर ने बोलता कि इससे एमसीक्यू बन सकता है छोटी सी पेंसिल से, यहाँ पे सर ने बोला कि क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पर क्यों लिख लिया, यहाँ पर भी सर ने बोला एक छोटा क्वेश्चन सकता था क्यों लिख लिया। करते नहीं करते ऐसा, कर लिया करो थोड़ा सा। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल मतलब सारे तीन एलिमेंट है ना लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम के बीच में से एक बचा, ये बेचारा हमारे मिडिल में सोडियम, तो वो कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन, तो वो कह रहा है ओहो। अब मैं आपको मैथ नहीं पता, मुझे नहीं पता आपको अरिथमेटिक मीन पता है नहीं पता, चलो अरिथमेटिक मीन नहीं पता, एवरेज तो पता है ना। तो अब वो कह रहा है इस बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होता है, वो क्या होता है एवरेज, मतलब समझा था एक बार, मतलब सपोज करो, सपोज कर रहा हूँ मैं, सपोज है ना, एक एक केस ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल फिगर नहीं है बस मैं कह रहा हूँ। अगर अगर लिथियम का वेट 1 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 3 है तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 1 + 3 / 2 4, वो 1 + 3 = 4 / 2 तो इसका 2 होगा, तो इसका 2 होगा, इसका अरिथमेटिक में इसका एवरेज होगा, इसका क्या होगा एवरेज होगा है ना, ये वो नीचे कह रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल से मेक दिस पॉइंट क्लियर। अच्छा कह रहे हैं थ्री एलिमेंट कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, दीज मेटल्स एलिमेंट हैव द फॉलोइंग सिमिलरिटीज, ऑल आर मेटल्स सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है नहीं, सिमिलर है नहीं है, ईच हैज एन ऑक्साइड दैट इज एल्केलाइन एल्केलाइन नेचर, सर ये भी चीज़ सिमिलर है। ईच हैज अ बैलेंस ऑफ टू, हर किसी की बैलेंस, हमने बोले थे कि टू, हमने बोले थे कि टू, हमने बोले थे कि टू, हमने बोले थे कि टू है, तो सर आप सर टू नहीं भी दिया होता तो अभी किसका टू निकलता क्या, चेक कर लेते हैं उसको, हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम मांग लेते हैं मिसिंग है ये मिसिंग है ये, तभी 2 + 2 करो 4, और फिर इसका एवरेज करो यानी 4/2 करो, तभी तो ही निकलेगा, प्रूव हो गया कि बीच वाले का हमेशा एवरेज आएगा। सिंस दिस एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दे वर पुट टुगेदर इन वन, उनको एक ही ग्रुप में एक ही फैमिली में डिवाइड किया गया टू फॉर्म अ ट्राइड कॉल्ड डोरेनर ट्राइड, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, अब ये एक्चुअल फिगर ले लिया मैंने, दो दो लेके समझा दिया, अब देखो ये एटॉमिक, अब ये कह रहे हैं एक्चुअल मास है ना, अब जरा इसको समझते हो, जैसे कैल्शियम का मास उन्होंने बताया 14, ठीक है, बेरियम का कितना बताया है, बेरियम का 137, ठीक है। अब इसको आप एवरेज करके देखो, 137 और 40, 137 + 40 अगर आप करते हो तो 177 होता है, 177 पर तो उसे डिवाइड कर दो 88.5 आएगा, तो उन्होंने 88 इसका है रियल में, तो राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आया, तो देखो आपने इसका एक्सपोर फिगर 88 ही निकला, राउंड ऑफ का डिफरेंस है वो कुछ चलता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट इज नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट स्ट्रोंटियम हैज एटॉमिक मास एप्रोक्स, वो भी तो कह रहे एक्चुअल नहीं बोला, वो एग्जैक्ट नहीं बोला एप्रोक्स बोला, एप्रोक्स इक्वल होगा मीन वैल्यू, मीन वैल्यू एवरेज मीन वैल्यू और अरिथमेटिक मीन तीनों एक चीज होती है, ठीक है, तो सब उन्होंने इस तरह से निकाले, सब निकालता है, दिस इज नियरली द सेम एज एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम 88। अब वो कह रहा है ऐसे तीन के एग्जाम्पल दे रहा है कि क्लोराइन ब्रोमाइन एंड आयोडीन, ठीक है,
मैं कैलकुलेशन प्रूव करके दिखाऊंगा, फीचर्स पढ़ दे रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे कैल्शियम स्टोन के, कैल्शियम स्टोन टाइम बेरियम वाला ट्राइड था, या फिर जो बेब्रोमाइन आयोडीन वाला जो ट्राइड था उसमें से मेटल वाला ट्राइड कौन सा था और नॉन मेटल वाला कौन सा था, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये नॉन मेटल्स वाले हैं, ये वाटर करते हैं, वो एल्काइन के साथ रिएक्ट करते थे, उनकी वैलेंसी दो होती थी, यहाँ पे इनकी वैलेंसी वन होती है। ठीक है, अब मास याद करने के लिए मैं आपसे नहीं बोलूँगा अभी, अभी मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन देखे मालूम पड़े कि उनके मास है नहीं, कि आप उनके मास याद कर चलो एटॉमिक मास। ठीक है, बस एवरेज निकलेगा। रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ रेट, सर बता रहे कि अगर ऐसा अच्छा ये मेथड था पता करने का तो फिर हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते आते, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग है रीजन फॉर डिस्कार्डिंग, यानी ये लॉ जो है, ये जो प्रिंसिपल था, ये जो रूल था, लोग इसको फॉलो नहीं करते, लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो इसके क्या रीजन थे। तो अरेंज ऑल फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट, देन नोन मतलब उस टाइम पर जाने गए, देन नोन मतलब उस टाइम पर जाने गए, आज नहीं जो उस टाइम पर जाने गए थे ना, तो उन सबों को अरेंज करना भूल गए। सर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई थी हमें भी, तो आपको भी मैंने एग्जाम दिया था कि चार ग्रुप चार सिमिलर प्रॉपर्टी वाले मिल गए, तो अब फोर्थ वाले को कहाँ पे फेंक हो गया है ना, तो वो फेल हो गए वो अरेंजमेंट उनका, डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली, और ये लोग किसी किसी केस में विद इन सेम फैमिली में अप्लाई भी नहीं हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने लिया फ्लोराइन क्लोराइन और ब्रोमाइन का। अब आप इनका एवरेज निकालो, वो आता है 49.5, इनका एवरेज निकालोगे तो क्या 49.5, सर ये अप्रोक्स से तो बहुत डिफरेंस हो गया, ये 49 होता है या 50 होता तो 75 का एक्चुअल, तो ये फेल हो गया। डोब्रिनर्स सो डोब्रिनर्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन हेलमेट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, दो इट डिड कंटेन इंपॉर्टेंट इंसाइट एंड प्रिंसिपल, हाँ थोड़ा बहुत उसके अंदर अच्छा था बिल्कुल नो डाउट, पर बिल्कुल 100% अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये फेल हो गया, बस आज हम यहीं तक करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में यहीं तक करते हैं। ठीक है।